प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा वीडियो एल्बम जो सियासत के कड़वे माहौल और सत्ता के कलेश वाली बहुत सारी खबरों के बीच आपको अच्छा लगेगा। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह वीडियो एल्बम भारत की शीर्ष सत्ता पर आसीन देश के किसी प्रधान का नहीं है, ना चुनाव में प्रचार करने वाले किसी उम्मीदवार या बीजेपी नेता का है, बल्कि यह वीडियो एल्बम आम आदमी जैसे एक वोटर का है जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोट वाली शक्ति का प्रयोग किया है। आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन जिस जगह की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो है अहमदाबाद, क्योंकि आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान किया और गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार और गृह मंत्री अमित शाह के लिए वोट डाला। इस दौरान कैमरे में जो दिलचस्प तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उसी पर हमने आपके लिए वोटर मोदी वाला वीडियो एल्बम तैयार किया है। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के रानी में पोलिंग बूथ पहुंचे तो वहां गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद थे और उन्होंने ही पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का काफिला पोलिंग बूथ से करीब 700 मीटर पहले रुका और फिर देखते ही देखते प्रधानमंत्री मोदी का वोट शो एक रोड शो में तब्दील हो गया और पीएम की 700 मीटर की पदयात्रा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और अपनेपन का एहसास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उसी गुजरात में वोट डालने पहुंचे जिसकी उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर 13 वर्षों तक सेवा की है। जब प्रधानमंत्री मोदी पोलिंग बूथ की ओर बढ़ रहे थे उस वक्त भीड़ में ऐसे कई लोग मौजूद थे जो पीएम का स्केच बनाकर आए थे और उस पर प्रधानमंत्री मोदी के एक ऑटोग्राफ के लिए बेकरार थे। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह लोगों को निराश नहीं किया। जब प्रधानमंत्री पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो गेट पर उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने पैर छूकर पहले उनका आशीर्वाद दिया और फिर वोट डालने पोलिंग बूथ में। संस्कारों वाली ये तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पोलिंग बूथ में बिल्कुल आम आदमी की तरह अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट डाला जैसा आप और हम करते हैं और इन तस्वीरों में यह संदेश है कि वोट चाहे प्रधानमंत्री का हो या फिर आम आदमी का, वोट सबका जरूरी है और सबके वोट में बराबर शक्ति है। वोट डालने के बाद पीएम मोदी और जनता के संवाद की ऐसी कई इमोशनल तस्वीरें सामने आई जो आपको अच्छी लगेंगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सड़क पर पदयात्रा कर रहे थे जनता के बीच मौजूद एक दिव्यांग महिला भी मोदी मोदी के नारे लगा रही थी और जैसे ही प्रधानमंत्री की नजर उस महिला पर पड़ी वो रुक गए, उनके साथ बात की, उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसी तरह भीड़ में मौजूद एक और महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में राखी बांधी। प्रधानमंत्री जब लोगों का अभिवादन करते वक्त आगे बढ़ रहे थे तब उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर भी पड़ी। प्रधानमंत्री ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और फिर दुलार भी किया। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में कोई शब्द नहीं थे, संवाद नहीं थे, लेकिन यह वीडियो एल्बम यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात की जनता के बीच अटूट रिश्ते वाला मजबूत जोड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है।
वैसे वही गुजरात है जहां वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप की और इस बार उसे यकीन है कि गुजरात में वो क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। इसी यकीन के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर के नारायणपुरा बूथ पर पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इसके अलावा जिन 93 सीटों पर आज अलग अलग राज्यों में वोटिंग हुई उनमें कई दिग्गज की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। 93 सीटों वाले आज के वोट शो पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। विकसित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो। वैसे अपने न्यूज मित्रों को बता दें कि तीसरे चरण की वो 93 सीटें हैं जिनके नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दांव साबित होंगे, क्योंकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 93 सीटों पर बीजेपी को सत्ता वाला बूस्टर डोज मिला था। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों में इन 93 सीटों में एनडीए गठबंधन को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 8 सीटें विपक्षी दलों को मिली थी, जिनमें से ज्यादातर पार्टियां आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में इन 93 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 71 सीट पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी के लिए 93 सीट क्या एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होंगी? इसका जवाब एक तारीख में लॉक है और वो तारीख है 4 जून 2024।